मध्य प्रदेश के मुरैना में एक युवक की मौत हो गई है। गोली लगने से यह मौत हुई है। दलितों के भारत बंद के दौरान मध्य प्रदेश के मुरैना में गोली लगने से युवक की मौत। और जो जानकारी सामने निकल कर आ रही है वो ये कि उपद्रवियों की गोली लगी इस युवक को। युवक जो अपने घर की छत पर खड़ा हुआ था और सड़क पर आंदोलनकारी जो है वो उग्र प्रदर्शन कर रहे थे, उन पर काबू करने के लिए पुलिस की टीम जब पहुंची तो उपद्रवियों की तरफ से फायरिंग कर दी गई। जवाबी कार्रवाई पुलिस की तरफ से भी की गई, लेकिन जानकारी ये सामने आ रही है कि उपद्रवियों की गोली लगने से युवक की मौत हुई है। कई और लोग भी घायल बताए जा रहे हैं। ये युवक जिसकी मौत हुई वो सुभाष नगर इलाके में अपने घर की छत पर खड़ा हुआ था। और देखिए यहाँ पर किस तरीके से पथराव भी हुआ। मध्य प्रदेश की ये तस्वीरें आपके सामने हैं मुरैना की। यहाँ पर जो रेलवे ट्रैक है वहां पर प्रदर्शनकारी मौजूद थे, ट्रैक पर बैठे हुए थे, रेल यातायात को पूरी तरीके से बाधित कर रखा था। और ऐसे में पुलिस की टीम जब मौके पर पहुंची प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए तो प्रदर्शनकारियों की तरफ से फायरिंग की गई पुलिस टीम पर। और इसी फायरिंग की चपेट में आकर एक युवक जो इस इलाके में अपने घर की छत पर खड़ा हुआ था उसकी मौत हो गई है। इसके बाद मुरैना में कर्फ्यू लगाया गया है और साथ ही ग्वालियर में भी कई इलाकों में कर्फ्यू लगाया गया है। मध्य प्रदेश के ये दो अलग अलग इलाकों की तस्वीरें आपके सामने हैं। देखिए ग्वालियर के अंदर किस तरीके से आगजनी की गई, तोड़फोड़ की गई। एससी एक्ट में संशोधन के खिलाफ देश भर में जो भारत बंद हो रहा है दलितों का, उसका असर भोपाल में भी देखा जा रहा है। भोपाल का जो बोर्ड ऑफिस चौराहा है जहां अंबेडकर प्रतिमा लगी, वहां थोड़ी देर पहले ही भोपाल भर के सारे दलित संगठन इकट्ठे हुए हैं। इन्होंने यहां रास्ता रोक दिया है, चकाजाम किया है और लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। इन सबकी यही मांग है कि जिस तरीके से संशोधन किए जा रहे हैं दलितों के खिलाफ या SC ST कानून में जो बदलाव किए जा रहे हैं उसके खिलाफ इनकी नाराजगी है। यहाँ ये सारे लोग इकट्ठे होकर राजभवन जाएंगे और वहाँ जाके एक ज्ञापन देंगे। तो सर क्या मांग है आपकी? ये सुप्रीम कोर्ट ने जो SC ST एक्ट के खिलाफ जो ऑर्डर दिया उसके खिलाफ पूरा दलित समाज उसके विरोध में सरकार की नीतियों का आलोचना करता है। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में खासकर ग्वालियर में जमकर आंदोलन चल रहा है। ग्वालियर में कई जगह पर दलितों और सवर्णों के बीच आमने सामने के टकराव हुए हैं। भिंड, मुरैना और दतिया, डबरा, इन सारी जगहों पर बहुत तेजी से हिंसा फैली है और कुल मिला के हालत बेकाबू हो रहे हैं। मगर भोपाल की हम बात करें तो भोपाल में यहाँ एक बड़ा धरना प्रदर्शन हो रहा है जहाँ पूरे सब जगह रोका गया, पूरा रास्ता रोका गया है। और यहाँ पर ये सारे लोग थोड़ी देर बाद सारे दलित संगठन राज्यपाल को ज्ञापन देंगे और अपनी मांगे उन तक सौंपेंगे। मगर कुल मिला के उत्तरी मध्य प्रदेश में दलित और सवर्णों के बीच संघर्ष है और कई जगह आगजनी, गोलीबारी की खबरें आई हैं। कर्मेन होमेन देशमुख के साथ ब्रजेश राजपूत, ABP न्यूज भोपाल। तो मध्य प्रदेश से रिपोर्ट आप देख रहे थे ब्रजेश की। बता रहे हैं ब्रजेश किस तरीके से तोड़फोड़, आगजनी और अब तो मुरैना के अंदर गोली लगने से युवक की मौत भी हो गई है। ये देखिए मध्य प्रदेश की का नक्शा हम आपको दिखा रहे हैं। इसमें मुरैना जहां पर गोली लगने से युवक की मौत हो गई, इसके अलावा ग्वालियर, डबरा और भोपाल तक ये जो दलितों का भारत बंद है इसका असर देखने के लिए मिल रहा है। बिहार की तस्वीर आपके सामने। बिहार के इस नक्शे में आप देखिए कैसे आरा से लेकर अररिया तक, छपरा, गया, इन तमाम जिलों में भारत बंद का असर देखने के लिए मिल रहा है। वहीं उत्तर प्रदेश का नक्शा आपके सामने है। यूपी में चाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मेरठ हो, सहारनपुर हो, गाजियाबाद हो, हापुड़, ये वो तमाम इलाके जहां पर दलित आंदोलन उग्र रूप लेता हुआ नजर आया। इसके अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वाराणसी में भी दलित आंदोलन का खासा असर देखने के लिए मिला, दलित बंद का। और राजस्थान के जोधपुर में, जयपुर में, बाड़मेर में भी, अजमेर में, इन तमाम इलाकों के अंदर दलितों के भारत बंद का खासा असर देखने के लिए मिला। तो SC ST के अंदर जो संशोधन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से किया गया उसी के खिलाफ सड़क पर दलित। ओडिशा के अंदर संबलपुर में दलितों के भारत बंद का खासा प्रभाव देखने के लिए मिला। तो देश के अलग अलग राज्यों के जिलों में किस तरीके से दलित आंदोलन की ये आग धधक रही है, हम लगातार आपको अपडेट्स पहुंचा रहे हैं। और फिलहाल सीधे आपको गुजरात के कच्छ की तस्वीरें दिखाते हैं। तो गुजरात के कच्छ की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। दरअसल ये एक शॉपिंग मॉल है,
ये शॉपिंग मॉल के बाहर की तस्वीरें आपके सामने हैं इसका। यहाँ कच्छ में शॉपिंग मॉल के बाहर दलित प्रदर्शनकारी पहुंच गए हाथ में डंडे और लाठियां लेकर, और देखिए कैसे तोड़फोड़ की जा रही है। एक बार फिर से आपको बता दें, सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में जो संशोधन किया गया SC ST एक्ट में, उस पर पुनर्विचार याचिका दाखिल कर दी गई है। लेकिन दलितों का ये गुस्सा जो देश में अलग अलग जगह आज फूटा, और ऐसे में एक बड़ी बात जो सरकार की तरफ से कही गई, केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान को कुछ देर पहले हम सुन रहे थे और वो उन्होंने इस बात को रेखांकित करने की कोशिश की कि दरअसल ये दलित आंदोलनकारी नहीं है, ये राजनीतिज्ञ हैं जिन्होंने दलित आंदोलन को हाईजैक कर लिया है और अपनी राजनीति साधने के लिए इस तरीके से तोड़फोड़ और आगजनी को अंजाम दे रहे हैं। तो दलितों के नाम पर ये राजनीति की जा रही है, ये सरकार की तरफ से कहा जा रहा है। वहीं देश भर में दलितों की तरफ से भारत बंद का आह्वान किया गया था, जिसमें कई राजनीतिक दल जो हैं वो शिरकत कर रहे हैं, ये भी हकीकत है, कई राजनीतिक दलों ने समर्थन दिया है। और ये फिलहाल जो तस्वीरें वो गुजरात की तस्वीरें आपके सामने, देखिए किस तरीके से गाड़ी जो है उसे पीछे जाना पड़ा प्रदर्शनकारियों के गुस्से को देखते हुए, पुलिस की ये गाड़ी जिसे पीछे जाना पड़ रहा है। तो ये तो आपने गुजरात के कच्छ की तस्वीरें देखी जहां एक मॉल के बाहर भीड़ इकट्ठा हो गई थी, मॉल में तोड़फोड़ की जा रही थी। उत्तर प्रदेश आपको लिए चलते हैं, मेरठ से जो तस्वीरें आई हैं वो आपके सामने। ये मेरठ की तस्वीरें देखिए, कैसे लाठियां बरसा रही है योगी की पुलिस। तो ये युवकों को अंदर से निकाल निकाल कर पुलिस के लोग लाठियां बरसा रहे हैं। मेरठ में दरअसल आज प्रदर्शनकारियों की तरफ से हंगामा बहुत किया गया, पुलिस चौकी को फूंक दिया गया और इसके बाद पुलिस वाले लाठियां बरसाते हुए नजर आ रहे हैं इन प्रदर्शनकारियों पर। खबरों के दौर में ना रहिए बेखबर, हर खबर की हम लेंगे खबर। मेरे साथ जुड़िए रात 9 बजे मास्टर स्ट्रोक सिर्फ एबीपी न्यूज पर। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।